अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं साल 1955 की पहली फिल्म का रिव्यू। आज हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे, ये फिल्म 21 जनवरी 1955 को रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था कातिल। यह फिल्म कमाल पिक्चर्स के बैनर तले तैयार की गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर आगा जी ए गुल थे और इसके डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा थे। इस फिल्म की कहानी हकीम अहमद शुजा ने लिखी, जबकि इसके डायलॉग और स्क्रीन प्ले अनवर कमाल पाशा ने तहरीर किए। इस फिल्म के कैमरामैन रशीद लोधी थे, जिनको असलम डार और नसीम हसन ने असिस्ट किया। इस फिल्म की एडिटिंग एम अकरम ने की। उर्दू जुबान में बनने वाली इस फिल्म को लाहौर में ही तैयार किया गया। इस फिल्म के अदाकारों में सबीहा खानम, संतोष कुमार, मुसर्रत नजीर, असलम परवेज, आसिफ जह, एम इस्माइल, आजाद, बिब्बो और शेख इकबाल शामिल थे, जबकि नैयर सुल्ताना, अजमल, सिक्केदार, फजल हक, खलील कैसर, इमदाद हुसैन, दिलजीत मिर्जा और अकमल ने मेहमान अदाकार के तौर पर इस फिल्म में हिस्सा लिया। इस फिल्म के गानों की शायरी कतील शिफाई, सैफुद्दीन सैफ और तुफैल होशियारपुरी ने की। इस फिल्म का म्यूजिक मास्टर इनायत हुसैन ने तरतीब दिया, जबकि गुलुकारों में मुनव्वर सुल्ताना, कौसर परवीन, इकबाल बानो और सलीम रजा के नाम शामिल है। इस फिल्म में कुल 7 गाने शामिल थे, जिनमें कौसर परवीन के दिल की ये आवाज है जी प्यार होना चाहिए, ओ मैना ना जाने क्या हो गया कहीं दिल खो गया, देख लिए आसमां के सितम, मुनव्वर सुल्ताना के लेके प्यार का प्याम, सांवली सलोनी शाम आ गई, लेके प्यार का प्याम, सांवली सलोनी शाम आ गई, तू किया वहरे बदलते जमाने, कभी छक्का कभी 3 खाने, वहरे बदलते जमाने कभी छक्का। इकबाल बानो का उल्फत की नई मंजिल को चला, ये डाल के बाहें बाहों में, लेके नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। सलीम रजा का आते हो याद बार बार, कैसे तुम्हें भुलाएं हम, आते हो याद बार बार, कैसे तुम्हें भुलाएं हम। इस फिल्म में कौसर परवीन ने 3, मुनव्वर सुल्ताना ने 2, इकबाल बानो ने 1 और सलीम रजा ने 1 सोलो गीत गाया। इस फिल्म का गाना ओ मैना ना जाने क्या हो गया कहीं दिल खो गया
और दूसरा गाना जो कि इकबाल बानो का गाया हुआ था, उल्फत की नई मंजिल को चला ये डाल के बाहें बाहों में, ये दोनों गाने उस दौर में भी मशहूर हुए और आज भी मौसीकी के शायकीन इन्हें बड़े ज़ौक और शौक से सुनते हैं। इस फिल्म से मुसर्रत नज़ीर, असलम परवेज, नैयर सुल्ताना और गुलूकार सलीम रजा ने अपने पाकिस्तानी फिल्मी कैरियर का आगाज किया। ये फिल्म 21 जनवरी 1955 को जुमा के दिन लाहौर के निशात सिनेमा और कराची के ताजमहल सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश की गई और इसका शुमार उस दौर की हिट फिल्म्स में हुआ। तो नाजरीन, ये था फिल्म कातिल का एक तफसीली रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा जो हमारे चैनल के लिए बेहतरी का बायस है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।